नमस्कार दोस्तों, आज 12 मई है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन चंद्रमा मकर राशि में संचार करते हुए देर रात को कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। आज का दिन राशि चक्र की सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। मेष राशि। मेष राशि के लोग आज शारीरिक रूप से काफी सक्रिय नजर आ सकते हैं। इस राशि के कुछ लोगों को काम के संबंध में आज छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है और इस यात्रा से इनको लाभ भी मिल सकता है। वहीं इस राशि के कुछ जातकों को आज के दिन रोजगार मिलने की भी संभावना है। वृषभ राशि। शुभ ग्रह चंद्रमा का आपके भाग्य भाव में होना आपके भाग्योदय का कारण बन सकता है। इस राशि के जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको सफलता मिल सकती है, आपकी मनोकामनाएं आज पूरी हो सकती हैं। इस राशि के कुछ विद्यार्थियों को विदेश जाने का मौका भी आज के दिन मिल सकता है। मिथुन राशि। आज राजनीति और पर्यावरण के मुद्दों पर आप सामाजिक स्तर पर बातचीत करते देखे जा सकते हैं, आपके विचार लोगों को प्रभावित भी करेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा बातचीत करने से मानसिक शांति में खलल पड़ सकती है। कर्क राशि। चंद्रमा आज आपके विवाह भाव यानी कि सप्तम भाव में होंगे, इसलिए वैवाहिक जीवन में अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हालांकि आपको अपने जीवन साथी से कोई भी ऐसा वादा आज के दिन नहीं करना चाहिए जिसे आप पूरा नहीं कर पाएंगे। सिंह राशि। आज के दिन चंद्रमा आपके षष्ठम भाव में होंगे, इसलिए आपके जीवन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ही संभल कर रहना होगा। आज के दिन संयमित होकर कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से बातचीत आपको करनी होगी। इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य पर भी आज के दिन ध्यान देना होगा। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों ने बीते समय में जो नई चीजें सीखी हैं उसका अच्छा फल आज के दिन उनको मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियां आ रही थी तो आज के दिन दूर हो सकती हैं। यदि किसी से प्रेम करते हैं तो आज के दिन इस राशि के जातक प्यार का इजहार कर सकते हैं। तुला राशि। चंद्रमा आज आपके चतुर्थ भाव में होंगे, इसलिए पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। यदि घर में वरिष्ठ हैं तो आपकी बातों से घर के लोगों को आप प्रभावित कर सकते हैं। इस राशि के जातकों की माता के स्वास्थ्य में भी अच्छे परिवर्तन आज के दिन देखने को मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि। मंगल के स्वामित्व वाली वृश्चिक राशि के लोगों में आज साहस पराक्रम की वृद्धि देखने को मिल सकती है। आज के दिन आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध आप बना सकते हैं। इस राशि के लोग अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी अच्छा समय आज बिता पाएंगे। धनु राशि। चंद्रमा आज मकर राशि में होंगे, इसलिए आपका द्वितीय भाव सक्रिय अवस्था में रहेगा। आज आपका संचार कौशल सुधरेगा। इस राशि के जो जातक मीडिया, अभिनय, गायन आदि के क्षेत्रों में जुड़े हैं उन्हें सुखद परिणाम मिल सकते हैं। साथ ही इस राशि के कुछ जातकों को रिश्तेदारों की मदद से धन लाभ भी हो सकता है। मकर राशि। चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, इसलिए इस राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन में आज अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं आप बना सकते हैं। हालांकि सेहत को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कुंभ राशि। आपके द्वादश भाव में चंद्रमा के होने से खर्चों में आज के दिन अचानक वृद्धि हो सकती है। हालांकि बजट बनाकर चलते हैं तो आपको ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में भी इस राशि के कुछ जातक आज हिस्सा लेते देखे जा सकते हैं। मीन राशि। आज के दिन मीन राशि के लोग अपने हुनर से हानि को भी लाभ में बदल सकते हैं। चंद्रमा आज के दिन आपके लाभ भाव में होंगे, इसलिए कई स्रोतों से आप धन लाभ पा सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को आज पदोन्नति भी मिल सकती है। वहीं पारिवारिक जीवन में भी सुखद परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें NBT Life। नमस्कार।